और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी बड़ी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तीसरा और अंतिम दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू संग मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज आखिरी दिन है, तीन दिन तक ये समिट चल रहा है और आज आखिरी दिन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि लखनऊ पहुंचेंगी समापन सत्र में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता आज लखनऊ में मौजूद होंगे क्योंकि आज समापन होगा इन्वेस्टर समिट का। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी समिट में शामिल होकर कई कार्यक्रमों को संबोधित किया है। लखनऊ में निवेश के महाकुंभ के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। व्यास हॉल नंबर एक में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन हुआ, वहीं दधीची हॉल नंबर टू में जापान पार्टनर कंट्री सेशन हुआ, भारद्वाज हॉल नंबर तीन में यूएई पार्टनर कंट्री का सेशन हुआ। पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई एंड कोऑपरेटिव पर भी एक सत्र का आयोजन हुआ। इसके अलावा विविंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी पर सत्र हुआ, द इन्वेस्टर लेंस पोस्ट कोविड सिनेरियो पर भी एक सत्र हुआ, द इकोसिस्टम इन यूपी विषय पर भी चर्चा हुई और पार्टनर कंट्री सेशन ऑस्ट्रेलिया का भी एक सत्र आयोजित हुआ। योगी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन था आज। कई केंद्रीय मंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। यानी साफ है, लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू को साइन करने के बाद योगी सरकार काफी उत्साहित और खुद योगी सरकार के इंडस्ट्री मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा, आने वाला वक्त में ये और भी बढ़ेगा, यानी 33 लाख करोड़ बढ़ के और ज्यादा हो सकता है। यानी साफ है, आने वाले समय में योगी सरकार का इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, औद्योगिकी विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण समेत कई मंत्री अलग अलग सत्रों में शामिल हुए। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित किया। योगी सरकार इन्वेस्टर समिट को बेहद कामयाब बता रही है और सरकार का ऐसा दावा है कि यूपी में निवेश के जरिए जमकर विकास होगा और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत अप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। यूपी सरकार इस सम्मेलन से प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। सरकार के ही अनुमान के मुताबिक इस दौरान 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि निवेश आने से प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। रविवार को इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में हिस्सा लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, आज समापन का दिन है, एक बड़े और लार्जर लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है, अंतिम दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम आज का पूरा? ना बिल्कुल, देखिए एक ऐतिहासिक ये पल जरूर रहेगा कि दो दिन पहले जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई तो शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, इतने ज़्यादा एमओयू साइन होंगे, 32 लाख करोड़। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बार का जो यूपी का बजट है वो लगभग 7 लाख करोड़ का रहने वाला है, उससे चार गुना ज़्यादा 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो यूपी जो है वो कहाँ जाएगा। लेकिन आज समापन है और आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लगभग 12:30 बजे राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुँचेंगी, जहाँ पर सीएम योगी
आदित्यनाथ उनका स्वागत करने जाएंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगी और लगभग 3:40 पर वो इस प्रमाइसेस में पहुंचेंगी जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, वृंदावन योजना में, जहां पर ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और लगभग 75 ऐसी महिला कामगार हैं और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनके साथ, वो 75 लोगों के साथ यहाँ पर फोटोग्राफी होगी। उसके बाद 4 बजे वो समापन करेंगी, उनका संबोधन होगा, उसके बाद वो वापस राजभवन जाएंगी और रात्रि भोज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो राजभवन में द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेगा। आज पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी सेशन होगा और तमाम जो राज्य के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो उनका भी सेशन आज होगा। तो आज जब समापन होगा तो कहीं ना कहीं देखने वाली तस्वीर होगी और द्रौपदी मुर्मू भी इस बात का जिक्र जरूर करेंगी कि ये एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसके पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स यूपी में हुआ वो इतने ज्यादा, अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट था उस तरीके से नहीं आया था, लेकिन इस बार जो उम्मीद थी 10 लाख करोड़ का जो एक उम्मीद थी, एक टारगेट था, और 32 लाख करोड़ ये पहुंच जाता है तो अविश्वसनीय है अपने आप में। बिल्कुल मयूर, यानी कि सक्सेसफुल एक तरीके से कहा जा सकता है यहाँ पर जीआईएस को, हालांकि इसका समापन आज हो रहा है और जरूर पूरी तस्वीर सामने आएगी। बाप बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे।